देखो भाई, क्राउन के जंदे रख दिया है चक्कर लगा के। अब क्या हम किस तरह से फिट करते हैं आप देखो, कौन लोग किस तरह से फिट करते हैं वो हमें मालूम नहीं, हम किस तरह से फिट करते हैं वो आप देखो। चलो ये भाई साहब टैंक इधर से आने दो, टैंक रहे दो, आवा दो, आवा दो, थोड़ी देखो, अब थोड़ी बाहर रखो, थोड़ी बाहर रखो, ये नीडल बेरिंग हम यहाँ पर लगा देते हैं। अच्छा, और ये वाला हिस्सा जो है, आलो हाथों में पकड़ाऊँगा, ये जो नीडल बेरिंग हमने रख दी आपके सामने, ये ऐसे, ये इसे ऐसे लगा दो, ये इधर का बैठ गया हिस्सा देख लो, और ये चक्कर भी सही है, बेरिंग भी सही है, बैठ गया। अब इधर का बैठ गया, अब सामने का देख लो, सामने का हिस्सा लगा, ये वाला हिस्सा ये इधर लगा ऐसे, और थोड़ा ऊपर कर लेंगे, देखो ये बैठ गया ग्राउंड के आमने सामने, आदमी अकेला हूँ इसीलिए थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि शूटिंग भी करना पड़ता है और बिठाना पड़ता है। आप लोगों को क्या ऐसा होगा कि ये दिखाता नहीं, लेकिन दिखाना तो बहुत चाहता हूँ, लेकिन अकेला हूँ ना इसीलिए थोड़ी दिक्कत है, कुछ करने का नहीं। ये वाला हिस्सा पहले डाल दो, ये डाल दिया, यहाँ से थोड़ा सा ऊंचा करो, निडल बेरिंग जो है ये शाफ्टिंग में डाल लगा लो और लगा लो। अब क्या करता हूँ मैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला यहाँ पर कॉलर जो आता है यहाँ पर, ये वाला कॉलर यहाँ पर आएगा, इसे मैं थोड़ी हथौड़ी की मदद से इसे बिठा दूंगा ऐसे, और ये वाला हिस्सा जो यहाँ पर कॉलर आता वो भी मैं हथौड़ी की मदद से मैं बिठा दूंगा, लेकिन मैं तो हथौड़ी ही लेता हूँ, हथौड़ी ही बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, ये इसे, ये वाले इसे हथौड़ी हम बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते मालूम नहीं। धीरे धीरे आमने सामने ऐसे थोड़ा अंदर ये जा रहा है, देखो मैं बिठाता हूँ, इस साइड का कॉलर मैं बिठा रहा हूँ, आपको दिखाऊँ मैं कैसे बिठाता हूँ, ये ऐसे रख दिया, ये सब खुला हुआ हिस्सा है, काम करने में बहुत मजा आएगा। ऐसे ऐसे लगाओ जोर से, पक्का धीरे धीरे, ये बात प्रीत है पंजाब वाले का, पंजाब वाले का प्रीत है, पंजाब वाले कहीं ऐसा कुछ भी आप लोहे का रख दो, लगा लिया जोर का झटका, धीरे से लगा लो जोर का झटका, लगा ला धीरे से, हाय लगा, हाय रब्बा बोलते हैं पंजाब वाले, ऐसे बिठाते हैं हम, आप लोग किस तरह से बिठाते हैं हमें मालूम नहीं, हमें तो हम तो अपने तरीके से बिठाते हैं, ये वाला हिस्सा बैठ गया, अब सामने का हिस्सा मैं भी बैठाता हूँ, बैठ गया, अब घुमा के देख लेते हैं, ये घूम गया अच्छी तरह से, आप देख लो
बैठ गया आमने सामने। अब क्या क्या करने का। ये हाउसिंग यहाँ पर जो आता है, ये वाला हिस्सा यहाँ पर, ये लगा लेते हम पहले कि कितनी प्ले है आप बाद में आपको मालूम हो जाएगा। ये वाला हिस्सा जो है ना ब्रेक का, ये वाला, ये मैं प्लेट लगा लेता हूँ। सामने की साइड मैंने हाउसिंग बिठा दिया है ब्रेक का, जो बोल पिंजन हाउसिंग बोलते हैं वो, इधर किस तरह से लगाते हैं मुझे दिखाता हूँ मैं आपको। मैं क्या करता हूँ भाई, ये रहा दो डिसमिस, या पेच कर बोलो कोई भी, इससे सुराख या जो बोले थी मैं एक डाल दिया अच्छी तरह से, और दूसरा वाला नीचे की ओर दोनों लगा लिए। अब इसे इस तरह से यहाँ, और नीचे वाला ऐसे, और ये रख दिया ऐसे लगा लो, लगा लिया। अब मैं सारे के सारे बोल्ट लगाता हूँ, देखो आपके सामने। ये हो गए एक बोल्ट, ये दूसरा वाला बोल्ट लग गया। अब सारे के सारे बोल्ट लगा लूँगा। इस तरह से रखने से क्या फ़ायदा है, जो अंदर के सिम्स जो हमने बीच में यहाँ पर जो सिम्स डाले ना, वहीं घूम ना जाए, अच्छी तरह से रहे। और डिसमिस का अर्थ क्या है कि हो ये जो हम सामने जो होल है वहीं पर अटक जाए ये दोनों, और जो टेढ़ा मेढ़ा करना हो तो ऐसे लगा, ऐसा कर लो, हो जाएगा। आप ऐसे लगाने से आपको बहुत फायदा होगा, अकेला हो तो भी ऐसा काम कर सकते हो, दो बंदों की ज़रूरत नहीं। लेकिन क्या है कि थोड़ा धीरे से करो, थोड़ा धीरे से काम करो, हो जाएगा आपो आप। आधा कुछ मत खोलो, क्योंकि आधा खोलने से बिठाने में हमें परेशानी होगी। हमें परेशानी किस तरह से होगी कि आधा भी खोलो, ये सब इनका पंखा है व्हील है, ये नहीं खोलो तो भी चले, लेकिन ये क्या करना, इसलिए खोलना क्यों ज़रूरी है, हमारे ये दोनों हाथ है, ये दोनों हाथ जो है ना काम करने के लिए, और कुछ ऐसे पकड़ा कुछ ऐसे पकड़ा और हाथ में से जो छूट गया ऐसा हुआ, हाथ टूट भी सकता है। और हमारा धंधा जो हमारी मेहनत है, हमें जो खाने को लिए कुछ चाहिए ना हाथ भी नहीं, इसलिए से शांति से काम करने का। ये वाला जो घेर का काम है, हाउसिंग का काम है, एकदम साधारण शाम आसानी से काम कर, धीरे धीरे से, जल्दबाजी नहीं करने का। हाथ पांव रहेंगे तो हम काम कर सकते हैं, वरना हाथ पांव ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे। अच्छा, अब मैं ये 19 नंबर का पाना लेके मैं राउंडिंग का बोल्ट जो है वो अब फिट कर देता हूँ। ये लगाने के बाद ब्रेक जो कैसे लगती है वो तो मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें आप देख सकते हो। अब ये सब पार्ट में लगा लेता हूँ, एक्सल भी लगा ली मैंने यहाँ पर, सामने वाले एक्सल भी लगा लेते हैं, तो थोड़ा काम अब मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, बाद में आपको दिखाता हूँ। अब देख लो मित्रों, ये छोड़ो क्लच बाज, अब आवाज़ नहीं आ रही, आप सुन सकते हो, ये नया हमने क्राउन के नया डाल दिया, ऑयल नया डाल दिया है, आप देख सकते हो सही से, ये पूरा काम होने वाला है। अब क्या करते, अब देखो कहीं से भी आवाज़ नहीं आ रही, देख सकते हो, आप देख सकते हो ये फ्रिज जैसा जो हमने काउंट केस बोला था, वो अब कहीं से आवाज़ नहीं आ रही, सही से घूम रहा है, या फिर आप कोई दिक्कत नहीं कर रही था, आवाज़ आती थी चलता भी नहीं था। अब आपके सामने ये देख रहे हैं, सब कुछ हुआ है।
ये सब कुछ कर लिया, अब हम क्या करते हैं, उनका जो ऊपर हेड आता है वो बोलते हैं आप टॉप कवर बोलते हैं, जो हमें पाटला बोलते हैं, वो हाइड्रोलिक पाटला वो लगा लेते हैं, पंखा दोनों साइड लगा लेते हैं, व्हील दोनों साइड लगा लेते हैं, और ये सब सारा काम पूरा कर लेते हैं हम पहले। अब हम सारा का सारा फिटिंग कर, वो तो किस तरह से खुलता है किस तरह से फिट, वो तो आप सभी को मालूम ही है, लेकिन हम सारा काम पूरा कर लेते हैं। डॉक्टर हम आपको पूरा कंप्लीट हो जाए तब हम आपको दिखाते हैं। लेकिन मित्रों आप मुझे एक लाइक दो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ये प्रीत है। ट्रैक्टर तो बड़ा है लेकिन हम छोटे आदमी हैं, ट्रैक्टर तो बड़े हैं पर हम छोटे आदमी, हमें को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और नए हो तो सब्सक्राइब करो। अच्छा मित्रों तो पूरा काम पहले पूरा कर लेते हैं ट्रैक्टर का काम, बाद में हम आपको सभी सही से दिखाते हैं। देखो मित्रों ये ट्रैक्टर पूरा काम हो गया, चालू कर लो, आगे लो, आगे भी सही से जा रहा है, देख लो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आवाज आती थी वो बंद हो गई, ठीक हो गया, देख सो बस बंद कर दो, ये ट्रैक्टर का काम पूरा हो गया। मित्रों ये देख लो, ये ट्रैक्टर का ओनर है ये बुड्ढा, आपको दिखाई देता है बुड्ढा, ये ट्रैक्टर इनका है, लेकिन चलाने में तो आपको ऐसा लगेगा कि किस तरह से चला रहे हो। अच्छा आपका ट्रैक्टर हो गया, तमारो ट्रैक्टर कम्प्लीट थी गयो भाई, बराबर ने राजी ने बराबर, हाँ बस। अब देख लो मित्रों ये हो गया ट्रैक्टर, सही से हो गया। अब मित्रों क्या करने का, हाँ मित्रों ठंड बहुत है यहाँ पर, काम पूरा कर लिया, ठंड लगती थी इसलिए हमने सब लगा लिया है। अब मित्रों ये ट्रैक्टर तो हो गया लेकिन हमारा काम क्या करने का, ऐसे ऐसे नए टॉपिक पे नए नए वीडियो हम लाते रहेंगे, नए नए जो काम आएंगे ऐसे। अच्छा तो मित्रों एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा बन सके इतना शेयर करो, शेयर करने से क्या होता है हमारा जो तजुर्बा बढ़ता ही जाएगा, काम करने का तरीका अलग प्रकार का है हमारा, ऐसे कोई भी ट्रैक्टर का कोई भी कंपनी का ट्रैक्टर है हम कर सकते हैं, लेकिन ये पंजाब वाले हैं ना बनाते ऐसे हैं ना कि ये प्रीत है, सोनालिका है या स्वराज, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन काम उनका बढ़िया है, वो काम करने के बहुत आनंद आता है। अच्छा मित्रों तो ऐसा हो तो मैं आपसे आप सभी लोगों को पापा सीताराम।